अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब अभी हम लोग डेप्रिसिएशन क्या है समझ गए, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो समझ गए। अब जो मेन काम है उसको रिकॉर्ड करना, मतलब उसे हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज व्हाट द टॉपिक इज नाउ, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब उस डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करना है, उस डेप्रिसिएशन का अब हमें हिसाब क्या करना है, हिसाब रखना है। तो वो हिसाब कैसे रखा जाएगा वो सीखेंगे। उसका दो तरीका होता है जनरली, पहला विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक है विथ मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो करेंगे विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसीलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है वो हम आज नहीं बताएंगे, क्योंकि आज हम लोग कर रहे हैं विदाउट वाला मेथड, तो उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तो आज के क्लास में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए सिंस हम लोग इससे शुरुआत कर रहे हैं तो अभी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं डिस्कस करेंगे। जब हम ये मेथड में आएंगे इसमें तुमको पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब समझाएंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट accounting for depreciation under what method, when there is no provision for depreciation and method depreciation is maintained, provision for depreciation maintained नहीं होता है उसी method में कर। बहुत simple है, देखिएगा यहाँ पे very simple, कुछ नहीं, हम लोग पहले से ही सब किए हुए हैं। सबसे पहले जब asset खरीदते हैं तो asset खरीदने का entry होगा, तो जब हम लोग asset खरीदते हैं तो asset account debit, एसेट का नाम लिख देना, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग जो भी रहे, टू या तो बैंक होगा या तो कैश होगा और या तो क्रेडिटर होगा या वेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं अगर उधार में खरीदे हैं तो, राइट। सो एसेट आप दो ही तरीके से खरीद सकते हैं, या तो पैसा दे करके या तो क्रेडिट में। सो अगर आपने पैसा दे करके खरीदा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर बैंक से पेमेंट किया चेक से पेमेंट किया तो बैंक, कैश पे पेमेंट किया तो टू कैश, और अगर आपने पैसा नहीं दिया है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाता है। तो ये एसेट खरीदने का एंट्री। सेकेंड है व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट, जब डेप्रिसिएशन एसेट पे क्या किया जाएगा, चार्ज्ड, चार्ज्ड इज अ नेगेटिव वर्ड हियर, राइट। अगेन व्हाट इज डेप्रिसिएशन, इफ यू रिमेंबर डेप्रिसिएशन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इज अल्टीमेटली द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज बीइंग ब्रोकन इनटू स्मॉलर अमाउंट्स, एंड हाउ वी आर ब्रेकिंग इट बाय डिवाइडिंग इट बाय द, सो बेसिकली व्हाट इज डेप्रिसिएशन, अगेन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है, एसेट के कॉस्ट को उसके एंटायर जीवन में हम लोग क्या कर देते हैं, स्प्रिंट कर देते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, जितना से एसेट की वैल्यू घटता है, अगर मैंने एक ट्रक खरीदा तो ट्रक मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है, ट्रक इज माई एसेट। वाई ट्रक इज नॉट एन एक्सपेंस, बिकॉज ट्रक को मैं एक साल में यूज नहीं कर रहा हूं, वो ट्रक मेरे साथ 10 साल है, तो जब अगर ट्रक मेरे साथ 10 साल है तो उसका कॉस्ट को भी हम क्या करेंगे, 10 सालों में बांटेंगे। सो ट्रक इज एन एसेट बट द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द ट्रक जो डेप्रिसिएशन, दैट इज माई एक्सपेंस। सो देयरफॉर डेप्रिसिएशन बींग माई एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन बींग एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट। कैश और बैंक मत लिख देना, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जिसके चलते पैसा कभी बाहर, मैंने कहा एसेट की वैल्यू घटती है, राइट, पैसा बिजनेस से बाहर नहीं जाता है। सो देयरफॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, जो भी एसेट पे चार्ज हो रहे हैं, हो गया क्लियर है। अब चलिए देखिए इसी जर्नल से मैं आपको यहां पे लेजर बना के दिखाता हूं, राइट। अब इस जर्नल से आपको कितना लेजर दिखेगा बनते हुए, एक एसेट का, बैंक कैश या क्रेडिटर का, और एक डेप्रिसिएशन। तो हम आपको यहां पे एसेट का और डेप्रिसिएशन का, क्योंकि हम लोगों को ज्यादातर इसी से मतलब होगा, एसेट और डेप्रिसिएशन। तो हम यहां पे एक एसेट का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, यह हमारा लेजर डेबिट क्रेडिट, यहां पे आपका डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये रह गया। अब कैसे करेंगे, देखिए
जब हम लोगों ने एसेट खरीदा तो मेरा एसेट अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। तो हम लोग एसेट का लेजर में भी उसको क्या करेंगे? डेबिट। क्या बोल करके? टू बैंक कैश जो भी रहे या टू क्रेडिटर, वो अमाउंट हमने यहां पे लिखा, ठीक है। अब फिर उसके बाद एसेट पे क्या हुआ? डेप्रिसिएशन। जर्नल एंट्री देखिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट अकाउंट क्या हुआ यहाँ पे? क्रेडिट हुआ है। सो एसेट को क्रेडिट करेंगे, कारण क्या है? बाय डेप्रिसिएशन हो गया यहाँ पे। डेट जब एसेट खरीदा, और ये एक्चुअली ईयर एंड का डेट होगा जब डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? लेजर को बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? डेबिट का टोटल करेंगे और क्रेडिट का टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल बड़ा होगा तो जो डेबिट का टोटल होगा, अगर डेबिट का टोटल है Z, तो इसका भी टोटल कितना होगा? Z। सिंपल, क्लियर है। उसके बाद एसेट का जो वैल्यू है माइनस डेप्रिसिएशन, हमको यहां पे क्या मिल जाएगा? बैलेंसिंग फिगर, और इसको बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। हो गया। यही वैल्यू एसेट का नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? बीडी, ब्रॉट डाउन। और नेक्स्ट ईयर जब हम एसेट का लेजर खोलेंगे तो इस वैल्यू के साथ खोलेंगे। समझ में आया? क्लियर है, कितना सिंपल है। एसेट का अकाउंट बना रहे हैं हम। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, और घटेगा क्रेडिट। बढ़ा किस कारण से? बैंक। घटा किस कारण से? डेप्रिसिएशन। समझ में आया? दिस is the only thing that you have to understand. Asset का हिसाब रखना है हमको। हमको ज्यादातर asset का अकाउंट बनाने बोलेगा, मतलब एक साल में asset के साथ क्या क्या हो रहा है उसके बारे में आपको जानना है। अब इस बीच में एक चीज क्या हो सकता है? अगर हम लोग asset खरीदते हैं तो हम लोग asset बेच भी तो सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? Yes, हम लोग asset बेच भी सकते हैं। करेक्ट, समझ में आ रहा है। अच्छा, उससे पहले क्लोजिंग द डेप्रिसिएशन अकाउंट। व्हाट डू मीन बाय क्लोजिंग द डेप्रिसिएशन अकाउंट? जो हमने यहां पे डेप्रिसिएशन अकाउंट जो खोला है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, जो हम लोग एंट्री मारा ना अभी। Yes, जब लोग डेप्रिसिएशन चार्ज किया था तो हमने एंट्री मारा था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये एंट्री मारा था ना हमने। अब बोलता है क्लोजिंग डेप्रिसिएशन लास्ट एंट्री, इसको बंद करो। बंद करो मतलब अगर बंद करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको? क्रेडिट, क्योंकि खोले थे तो क्या किए थे? डेबिट। अब इसको क्यों बंद करना है? बहुत सिंपल सा चीज है। साल के अंत में बिजनेस के जो भी खर्चे और इनकम्स होते हैं उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए जो डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो बैलेंस होगा उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसीलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम तुमको यहां पे डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना करके दिखाता है। वहां पे हम लोग एसेट का अकाउंट बनाए थे, यहां पे किसका बनाएंगे? डेप्रिसिएशन का। अब देखिए, डेबिट क्रेडिट अमाउंट अमाउंट, डेप्रिसिएशन का यही दो एंट्री हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री और डेप्रिसिएशन को क्लोज करने का। डेप्रिसिएशन को चार्ज जब किए तो डेप्रिसिएशन अकाउंट मेरा क्या हुआ? डेबिट। सो डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे? डेबिट। कारण क्या है? एसेट हो गया। और डेप्रिसिएशन अकाउंट कभी बैलेंस नहीं होता, याद रखिएगा। एक्सपेंसेस और इनकम का कभी हम लोग बैलेंसिंग, डेबिट क्रेडिट बैलेंसिंग नहीं करते, उसका टोटलिंग करके वो अमाउंट को हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सेकंड एंट्री देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हो गया। तो जितना से खोले थे एग्जैक्टली उतना से क्रेडिट हुआ, और ये अमाउंट क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि ये अमाउंट हम लोग कहां भेज दिए? पीएल में। इसलिए मैंने आपको कहा कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों सेम रहेगा, एंड हेंस यू विल नॉट गेट एनी बैलेंस। There will be no balance in depreciation का ledger. आपको debit minus credit करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी depreciation हुआ है वो कहां पे चला जाएगा? PL में। हम लोग depreciation का account को बंद कर देते हैं। Next year जब depreciation का account खुलेगा तो वो नया account रहेगा, उसमें कोई पुराना year वाला balance आने वाला नहीं है। That is what we are saying. So देखो, basically asset खरीदे, asset account debit करेंगे टू बैंक। उसके बाद जब एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, और जब डेप्रिसिएशन को क्लोज करेंगे तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है, समझ में आया? बढ़िया से।
हाँ, अच्छा से समझ में आया? Yes, sir. हाँ, सो ये बेसिक्स एंट्री है जो आपको याद नहीं समझ के रखना, यही तीन एंट्री है। और एक होता है जब हम लोग एसेट को बेचते हैं, तो जब हम लोग एसेट को बेचेंगे, तो बहुत सिंपल है, खरीदने का जो एंट्री था उसको उल्टा मारेंगे। देखो, जब हम लोग एसेट को बेचेंगे तो हम लोग लिखेंगे टू एसेट अकाउंट, ठीक है, करेक्ट, और बेचेंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब एक चीज याद रखना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग, एक चीज हम समझा रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, हम सिंपली बता रहे हैं कि पहला साल में हमने एसेट को खरीदा एक लाख में खरीदा, पहला साल उसका डिप्रिसिएशन कितना था? 10, सेकंड कितना? 10, फिर थर्ड 10, फोर्थ 10। यहां पे ये डिसाइड किया गया चौथा साल के एंड में कि हम अपना ये ट्रक को, जो मेरा एग्जांपल चल रहा है, ट्रक का ले रहे हैं, ये एसेट को हम लोग क्या करेंगे? बेच देंगे। तो एक चीज याद रखना, जब तुम फोर्थ ईयर में डिसाइड किए हो कि तुम वो एसेट बेच रहे हो, तो तुम्हारा एसेट अकाउंट कितना से क्लोज होगा? 1 लाख से क्लोज होगा, जितना से हमने खरीदा था? नहीं, मत भूलना कि आज का डेट में चौथा साल के एंड में तुम्हारे बुक्स में एसेट की वैल्यू 1 लाख नहीं, बल्कि 10, 10, 10, 10, 40,000 माइनस करके फोर्थ ईयर के एंड में वो एसेट के वैल्यू, ट्रक का वैल्यू कितना है? 60। तो तुम्हारे लिए, मतलब हमारे लिए, बिजनेस के लिए चौथा साल के एंड में वो एसेट के वैल्यू कितना है? 60। तो तुम्हारा जो एसेट अकाउंट क्लोज होगा वो कितना से क्लोज होगा? 60। ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग एसेट बेचते हैं तो हमें यह पता करना है कि उस दिन उस एसेट का वैल्यू कितना है। तो मेरा एसेट अकाउंट भी उतना से क्लोज हुआ। अब दो पॉसिबिलिटी है, जनरली आपको या तो 60 से ज्यादा मिलेगा या तो 60 से कम, या बराबर 60 भी मिल सकता है। लेकिन अगर बराबर 60 मिला तो चलो आपका एंट्री यह हो गया। बट वॉट इफ आपको 60 से ज्यादा मिला, आपको 62 मिला, तो फिर तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट कितना से होगा? 62। लेकिन आप एसेट को कभी भी क्रेडिट 62 से, क्योंकि आपके लिए वो एसेट 62 का नहीं है। फोर्थ ईयर के एंड में आपके लिए वो ट्रक कितना का है? 60,000 का है। तो आपका एसेट कितना से बंद होगा? 60,000 से बंद होगा। तो ये 2,000 रुपए आपके लिए क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल, या टू गेन ऑन सेल 2,000। और उल्टा कर दो, अगर ये 60 में नहीं बिक करके 58 में बिका, तो आपका एसेट अकाउंट कितना से क्लोज हुआ? 60,000। लेकिन बैंक में कितना आया? 58। तो 2,000 रुपया क्या हो गया? लॉस। यही है, एसेट को खरीदना है, एसेट पे डेप्रिसिएशन करना है, और अगर एसेट बिका तो उसको बेचने का एंट्री पास करना है। यही तीन चीज होगा, और इसी तीनों का हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, ठीक है? समअप करें, अगर याद रहे, जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है समय। जिस साल का तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, ये देखना, अगर जैसे हम फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, हम चेक करेंगे कि उस ईयर में वो ट्रक कितना महीना यूज हुआ चला, मतलब अगर तुम, अगर मान लो फर्स्ट ईयर में तुमने ट्रक को जनवरी में नहीं खरीद के मार्च महीना में खरीदा था, तो फिर आपका डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होगा? मार्च से दिसंबर का लेट होगा, जनवरी से नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? लेकिन सेकंड ईयर में जनवरी से होगा, थर्ड ईयर में जनवरी से होगा, समझ में आ रहा है? तो ये आपको चेक करना है कि जिस अकाउंटिंग ईयर का आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, उस अकाउंटिंग ईयर में कितना नंबर ऑफ मंथ यूज हुआ, एक नंबर ये टाइम को लेकर चलना। दूसरा नंबर, डेप्रिसिएशन जनरली हमेशा हम लोग, अगर कोई एसेट ना बिके तो हमेशा साल के अंत में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, और जब एसेट बिके तो याद रखना जिस दिन बिक रहा है उस दिन उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और उस दिन आपका जब एसेट का अकाउंट बंद होगा तो वो उसी वैल्यू से बंद होगा जो वैल्यू उस दिन उसका है। क्लियर है, समझ में आया? कुछ नहीं है, बहुत इजी है, जर्नल एंट्री, तीन ही जर्नल एंट्री है,
वही चीज क्या होते जाएगा हर साल, रिपीट 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 होगा बस, और कुछ नहीं करना और कैलकुलेशंस करना है आपको. सो यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाई वी आर लर्निंग दिस चैप्टर? It's all because of simple thing, that truck is not this boat. Understand this boat. When I bought this boat, can I say this boat is an expense? In money books, this boat will come under what column? Asset. It cannot come under expense column. If I write it in expense column, it means कि हमको इस boat से पूरा benefit मिल गया है और मिलने वाला नहीं है. Correct? Yes, sir. समझ में आ रहा है? That is why, but that is not a fact. The fact is कि ये मेरा 5 साल तक चलेगा, 10 साल तक चलेगा. इसीलिए this is my asset. I put this in an asset का column. इसका value को मैं asset में रख रहा हूँ. But yes, जैसे जैसे मैं इसको use कर रहा हूँ, इसका life क्या होते जा रहा है? इसका life है ना, ये जो तुमको दिख रहा है brightness, इसका जो जो board है, इसका एक number of hours में life है. मान लो इसका लाइफ है 10,000 घंटा. ये 10,000 घंटा के बाद लाइट, इसका ट्यूब खत्म होगा, इसका खत्म होगा, ये इसमें दाग आने शुरू हो जाएंगे. आई यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर मैंने पहला साल में 2,000 घंटा यूज कर लिया, तो फिर उस हिसाब से वैल्यू घटा कि नहीं घटा? वही तो क्या है डेप्रिसिएशन. अगर हम हर साल 2,000 घंटा यूज कर रहे हैं, तो ये 5 साल में गया कि नहीं गया? तो इसका कॉस्ट को मैंने 5 साल में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. और जो आया हर ईयर का वैल्यू, उसको हम अपना क्या मानेंगे? एक्सपेंस मानेंगे, ना कि इसका कॉस्ट को एक्सपेंस मानेंगे. समझ में आया? ये मेरा एक्सपेंस नहीं, इसकी वैल्यू जो घटेगी वो मेरे लिए एक्सपेंस. उसी को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी को हम लोग अकाउंटिंग करेंगे इन द चैप्टर डेप्रिसिएशन. क्लियर है?